O... नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमोवज्रायाणं नमो, नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेशिं पडमं हवई मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्तानम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् ये स्वरूपसमजा विना पाम्यो दुःखनन् श्री सद्गुरु नमो श्रीसद्गुरुभगवन् गुरुवे नमः परंपराचार्य परम गुरुवे नमः गुर्े प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो अनंत अनंत भाव भेद थे भरेली भली अनन्तनय अनन्त निक्षेपे व्याख्यानी व्याख्यानि च सकलजगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष सारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तामारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज माती मपाइ मे मानी छे રાજચ ચંદ્રબાળ ખ્યાલ નથી જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તાણી ਜਾਣੀ ਤੇਣੇ ਚਾਣੀ ਛੋ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਤਤਵ ਚਰਚਾ માં ਪਰਮ ਤਤਵज्ञ श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत ચારસો ત્રાણું આત્મસિશાસ્ત્રનો મૂળ આધાર આ પત્ર છે એટલા માટે આપણે વિચાર કરીએ છીએ મુંબઈ ફાગણ ઓગણીસો પચાસ અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર આ મંગલાચરણ છે એટલે કે આ પત્ર પણ એક શાસ્ત્ર છે જેનું મંગલાચરણ હોય અંતમંગળ હોય એ બધો ગ્રંથ કહેવાય એટલે ઘણા બધા પત્રો પણ કૃપાળદેવના શાસ્ત્ર છે એટલે પ્રથમ મંગલાચરણ કરે છે ને એમાં સદ્ગુરુદેવને યાદ કરે છે अन्य शरण ना आपना। अनन्य किसे कहते हैं जिसके जैसा दूसरा नहीं हो उसको अनन्य कहते हैं अन्य नहीं शरण जगत में बहुत सारी शरण है जिसको लोग कहते हैं कि ये शरण है एक्चुअली तो सब अशरण है संसार में सब कुछ भी शरणभूत नहीं है सब अशरण है पर जिस शरण से संसार की शरण नहीं लेनी पड़ती ऐसी शरण है अनन्य शरण उसके जैसी शरण नहीं है शरण का मतलब होता है किसी के सुरक्षा कवच में जाना सुरक्षा के घेरे में जाना उनके पास चले जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा छोटा बच्चा होता है पड़ोस के घर में पड़ोस में घर है शीशे का कांच का पत्थर मार के आ जाता है और फिर आकर के अपनी मां की गोद में बैठ जाता है उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मेरी मम्मी की गोद में बैठ गया अब मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं मैंने अपराध तो किया पर यहां एक सुरक्षित जगह है कि जहां पुलिस नहीं आ सकती है कोई कुछ नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरी मम्मी उस बच्चे को माँ की शरण है वो माँ की गोद है वो अनन्न्य शरण लगती है इसके जैसी निर्भय हो जाता ऐसे ही एक धर्मात्मा को अपने गुरु की शरण अनन्य शरण लगती है उनकी शरण में आ जाता है तो फिर कितने भी पाप किए हो उसको कोई चिंता नहीं और सब आकर के बता देता है कुछ भी नहीं छुपाता है सब बता देता है बताने के बाद उसको जरा भी चिंता नहीं रहती है कि अब इन पापों का उदय आएगा कि नहीं आएगा कैसे मैंने मेरा काम कर दिया गुरुदेव जाने उसने सारा कचरा डाल दिया खाली कर दिया मन का अब निर्भय है अब चिंता मत करो कुछ और गुरु भी ऐसे ही शिष्य का सारा कचरा ले लेते हैं आचार्यों में बहुत सारे गुण होते हैं उनमें आठ गुण विशिष्ट होते हैं उसमें एक गुण होता है अवपीडकत्व। अवपीडकत्व का मतलब होता है शिष्य की पीड़ा का हरण कर लेना शिष्य की पीड़ा क्या है शिष्य की पीड़ा उसके शल्य है अंदर काटे हैं क्या है काटे कि ऐसे पाप कर्म किए हैं जो किसी को बता नहीं सकता किसी को पता नहीं है ना इसलिए कोई सजा तो देता नहीं उसको पर अंदर के अंदर अंदर के अंदर वो अपनी सजा भुगत रहा है उसको नींद नहीं आती है क्योंकि छुप करके किया हुआ कार्य है वो अंदर के अंदर व्यक्ति को कांटे की तरह छुपता है हल्लूकर्मी जीव को भारे कर्मी जीव को कुछ चुभता नहीं है उसको क्या है क्या हो जाएगा सब करते हैं हमने भी किया इसमें कौन सी बड़ी बात है भारे कर्मी जीव को कभी पश्चाताप नहीं होता कभी खेद नहीं होता है अपने दोषों के प्रति कभी उसके आंख में दो आंसू नहीं आते ये भारी कर्मी जीव का लक्षण है कि अभी मोक्ष और सम्यक दर्शन आदि बहुत दूर है उससे अभिमान उसका इतना अधिक बड़ा हुआ है इसलिए जिसके आंख में आंसू आते हैं ना तो अपने आप को धन्य समझना खेद होता है पश्चाताप होता है तो अपने आप को धन्य समझना अपने अपराधों के लिए हो मोह से नहीं ममत्व के कारण से नहीं अपने अपराधों के कारण होता है तो हम इसका मतलब अब हमारा आत्मा कोमल हो रहा है अपने दोषों को देख देख करके अपने को तो वो सारे कांटे हैं वो कांटे वो गुरु को बता देता है और गुरु है वो उनको सांत्वना देते हैं और कुछ नहीं करते हो केवल वो तो सुन लेते हैं वो कहता है मैंने ये किया वो किया कल जो भी किया आलोचना में प्रणातिपात इतने इतने की हिंसा की इतना झूठ बोला इतना चोरी करी इतना व्यभिचार किया इतना सारा ममत्व किया क्रोध किया मान किया माया की लोभ किया राग किया द्वेष किया क्लेश किया चाड़ी चुगली पैशून्य किया दूसरे के ऊपर मिथ्या दोषारोपण अभ्याख्यान किया पर परिवाद, परिवाद वाद, तर्क वितर्क कोरे कोई दम नहीं उसमें ऐसा किया अवर्णवाद किया उत्सूत्र प्ररूपणा की माया मृषावाद किया मिथ्यादर्शन को सेवन किया दूसरों को भी सेवन कराया यही सही है उसको तो पता ही नहीं कि सत्य क्या है और दूसरों को भी बताता है कि यही सही है खुद भी सेवन कर रहा है और दूसरों को भी सेवन करा रहा है किसी के प्रति रति करता है किसी के प्रति अरति करता है ये अठारह पाप स्थानक और भी बहुत सारे सब बताता है जैसल और तोरण की कथा आती अपने गुजरात में तो जैसल पहले गुंडा डाकू था तो अपहरण करके तोरण को ले आता है जो भी घटना होगी उसके पर उसका तेज इतना कि वो उसका शिष्य बन जाता है वो ले तो इसलिए आया था कि उसको वो पसंद आ गई थी परंतु बाद में देखा कि इसकी आंखों में तो अलग ही मामला चल रहा है उसका शिष्य बन गया हो और जब वो जा रहे थे तो बीच में नदी पार करनी थी नाव में बैठे थे अब जैसे बीच में गए और तूफान आया अब अज्ञानी जीव मृत्यु से डरता है कितना भी बड़ा क्यों ने डाकू गुंडा हजारों लाखों को मार दिया हो परंतु मृत्यु से अज्ञानी जीव डरेगा जरूर डरेगा अब वो मर रहा पता है कि मर रहा तोरण बा को कुछ नहीं वो एकदम निर्भय होकर बैठी है। फिर वो कहता कि आप कृपया करके मेरे को बचा लो <laughs> मैं मरना नहीं चाहता मैं जीना चाहता हूं अगर तू जीना चाहता है तो तेरे पास एक ही मार्ग है कि तूने आज तक जो जो किया वो सब उगल मेरे सामने आज तक जितने पाप किए हैं जितना व्यभिचार किया जितनी की किए जितने लोगों को मारा है जो जो भी किया है तूने एक एक कर के मेरे सामने उगल और ये तू नहीं करेगा तब तक तू जिंदा नहीं रहेगा मरेगा अभी अभी ये तूफान ये अभी पलटेगी ना डगमग तो हो ही रही है तो उसने एक एक करके सारे जितने पाप किए थे वो सब भूख ले और वो भाई हृदय से हो ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से मृत्यु से बचने के लिए नहीं मृत्यु से डर तो जरूर था परंतु अपने हृदय से क्योंकि मरता क्या नहीं करता मरने वाले व्यक्ति को भय से उसके अंदर भाव से भक्ति जागती है भाव जागते उसके और जैसे जैसे वो अपने पापों को एक एक करके बताता जाता है वैसे वैसे तूफान ठंडा पड़ता जाता है वास्तव में वो तूफान नहीं था वास्तव में तो वो तोरण बाकी विक्रिया थी माया थी और जब सारा ठंडा बढ़ गया वो सब बता करके कुछ उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं सारे कांटे ले लिए उन्होंने सब कुछ ले लिया एकदम ठंडा बढ़ गया कहते हैं वो बड़ा संत बना वो चोर डाकू बहुत बड़ा संत बना ये गुरु का अनन्य शरण एक बार उनकी शरण ले ली इसके बाद अब किसी के शरण की अब चोरी करने की जरूरत नहीं है हिंसा करने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है और जिसको देख करके लोग कांपते थे नाम सुन करके लोग डरते थे घरों से बाहर नहीं निकलते कि इस गांव के आसपास आया है ऐसा व्यक्ति जब गुरु की शरण में जाता है तो कैसा हो जाता है यही तोरण बा उनको अपने कपड़े खुद के स्त्री के कपड़े उनको लेकर के तुम जाओ माथे पे रख करके और नदी से कर के माथे पे रख करके ही लाना ऐसे नहीं लाना अब मेरे कपड़े धोने के लिए तुम नदी पे जाओगे और पूरे नगर में से ये नाक काटना ना है ना उसका हा वो नाक काटने के कितने कितने सारे प्रयोग किए उसने तब जाकर के संत बनाए नहीं बना उसकी तो वो जाता है बाल्टी लेकर जो भी कपड़े भिगा भिगे हुए कपड़े हैं और वो जाता है और फिर वो धोता है उसके कपड़े और लोग तो कितने कितने प्रकार के ताने देते हैं हास्य करते हैं ओ देखो ये वो चोर हमको डराता था वो अब वो स्त्री का गुलाम बना हुआ है उसके कपड़े धोता है यह किसी भी पुरुष को अपने स्वाभिमान को चोट लगती नहीं है जो पुरुष अपने अपनी पत्नी के सामने अपने अहंकार को झुका सकता है वो पुरुष भक्ति करने लायक वो झुकेगा कहीं नहीं कहीं क्योंकि ये भारतीय समाज ऐसा है ना कि इसमें पुरुष ने अपने आप को हमेशा स्त्री से ऊपर मान रखा है कि मैं उसका स्वामी हूं वो मेरी दासी, ऐसा पहले था आज नहीं अब अपने दास के दास का जो दास बन जाए वो भक्ति के योग्य है वो आध्यात्मिक प्रगति क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा नीचे वाले लोगों से ही जागता है हमसे बड़े हैं वहां हमारा ईगो थोड़ी टकराता है हमारे गुरु के सामने हमारा ईगो नहीं टकराता है उसके सामने दंडवत कर देंगे हम कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के सामने आप साष्टांग प्रणाम करो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सब करते हैं उल्टा उससे तो आपका गौरव बढ़ता है बढ़ता ही है लोग कहते हैं देखो कितनी भक्ति है पर अपने से छोटे की सेवा करनी है जिसको लोक में छोटा मानते हैं उसकी सेवा करनी और वो सेवा कर रहा है उसकी तो हमारा नाक जाता है काटना वहां होता है अपने अहंकार को तो अपने सारे अहंकार को नष्ट कर करके आज्ञा में आ जाता है ऐसी जो शरण देने वाले अनन्य शरणा आपनार एवा श्री सदगुरुदेव ने उनको कुछ नहीं हो उनको अभिमान नहीं ऐसा शिष्य को ऐसा कराया अहंकार नष्ट कराने के लिए कितने कितने प्रयोग कराते हैं तो ऐसे गुरु को अभिमान नहीं आ जाता उसे उसको कोई लेना देना नहीं है पर वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उसका शिष्यपना आएगा मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अभिमान है क्योंकि बाकी सब कषायों का संबंध मिथ्यात्व से नहीं है दर्शनमोह से नहीं है मान का संबंध सीधा दर्शनमोह से डायरेक्टली मान है तो आप मिथ्यादृष्टि पक्का क्रोध हो सकता है सम्यक दृष्टि में भी माया भी हो सकती है पांचवें गुणस्थान तक होते हैं सब चीजें चौथे में भी होती है तीन प्रकार के शल्य वो चौथे गुणस्थान में और वो निशल्य होता है तो पांचवें गुणस्थान में आते हैं वहां हो सकती है। और छोटी मोटी तो सब लोभ भी होता है पर मान है तो अभी आपके दर्शन मोह का बड़ा उदय चल रहा है इसलिए सम्यक दर्शन होने होने के लक्षणों में क्या जाता है पता है आठ प्रकार के मध जाते हैं वहां क्रोध जाता ऐसा नहीं है माया जाती है ऐसा नहीं है लोभ जाता ऐसा नहीं है वहां आठ प्रकार के मध जाते हैं क्योंकि मान है वो वास्तव में पर्यायी बुद्धि है जब हम अपने नाम और रूप को हम अपना मैं हूं ऐसा मानते हैं इसका नाम मान है पर्याय दृष्टि उसी से तो सारे अभिमान पैदा होते हैं ना मारो शरीर घणो स्वस्थ है तगड़ो आवा कहीं थे क्या है कौन सा मान है आठ प्रकार में शरीर का मद किसी को स्वास्थ्य का मद होता है किसी को अस्वास्थ्य का मद होता है मारी तबियत घोड़ा जेवी है तो इसके साता का मद है आप हमारी तबियत आजकल सारी नत रहती ये असाता का मद है दोनों मद तो दोनों है क्योंकि आप अपने आप को साता और असाता रूप मान रहे हो ये ही मद है कोई अपने आप को अमीर मान रहा है तो वो पैसों का मद है कोई अपने को गरीब मान रहा है तो गरीबी का मद है क्योंकि आत्मा तो न अमीर है ना गरीब है ना आत्मा तो न सातारूप है न असातारूप है आत्मा का क्या इससे ये तो सब देहिक है और जो भी संयोगिक है और गुरु की शरण में जाने से अहंकार का नाश होता है और वहां जाकर के भी फिर ये सब चीजें आई गई रही तो वो गुरु की शरण नहीं है और वो अनन्य शरण भी हमारी तरफ से नहीं है उनकी तरफ से क्या दुनिया में किसी को अपने पैसों के ऊपर विश्वास है ये रहता है अबुद्धिपूर्वक कि मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति है ना तो अपने तो अच्छी तरह से जिंदगी निकलेगी तो वो पैसों को अपनी शरण मान रहा है अपने पास कहीं कमी नहीं है गड़पण में कहीं बीमारी वगैरह आ तो पैसा आप बधा ने, ने न, चार नौकर राखी लीसू एम शू वो शरण मान रहा है अपनी सुरक्षा मान रहा है पैसे से કિસી કો ઔષિયો ઉપર વિશ્વાસ આવો અરે કંઈ પણ થશે ને તો ડોક્ટરો છે ને આજકાલ તો બધે બધી દવાઓ છે ઔષધિ કો શરણ રૂપ માનતા કોઈ આપણે પરિવાર કો માનતા આટલા બધા છે ને કોબામાં આવીને તમે બીમાર પડો તમારું ઘણું સેવા થશે અહીંયા એક બીમાર પડવાનો લાવો છે सबको इन सबको शरण मानता हो कि यहां मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल होगी हमने साहिब जी की देखभाल कितनी अच्छी तरह से करी करी कि नहीं करी काम आई कोई शरण रूप नहीं है जहां जहां भी हम अपने आप को जोड़ देते हैं उससे सुरक्षा मानते हैं तो वो डाली टूटेगी क्योंकि वो टूटी हुई डाली पे बैठा हुआ है इसलिए संसार की सारी डालियां टूटी हुई है न पति शरण है न पत्नी शरण है न पुत्र शरण है न पैसा शरण है न औषधि शरण है न मंत्र तंत्र शरण है कोई देवता शरण नहीं है आपड़े तो छे ने? देव आपड़े ऊपर तो प्रसन्न छे आपके पुण्य का उदय होगा तो ही वो आपका कुछ कर सकते हैं नहीं तो वो भी नहीं कर सकते और ये जो सदगुरु देव ऐसा कहे है ना वो देव भी व्यवहार से ही शरण है निश्चय से तो एक अपना चैतन्य देव है वो ही देव है सहज आत्मस्वरूप परम गुरु ये गुरु उनको बताते हैं उसकी शरण देते हैं हमने गुरु के पैर पकड़े गुरु हमको अपने आत्मा को पकड़ाते हैं इसलिए इनकी अनन्य शरण है इनको शरण इनकी शरण लेने के बाद हमको संसार में नहीं भेजते हो किसी के पास वो सीधे अपने अंदर स्वाधीन कर देते हैं फिर किसी की शरण लेने की आवश्यकता हमको रहती नहीं ऐसे सदगुरुदेव को अत्यंत भक्ति अत्यंत अति अंत अति अंत का अति का मतलब क्या होता है एक्सट्रीम एक्स्ट्रीम और अंत का मतलब खत्म तो जहां सभी सीमा नष्ट हो चुकी हैं अत्यंत भक्ति थी भक्ति थी नमस्कार नमस्कार तो बहुत से कारणों से होता है एक तो भय से होता है देखो स्वाध्याय हॉल में आओ और जो भगवान को वंदन नहीं किया ऐसे ही चले गए अथवा उनको पीठ दिखा दी अथवा कुछ भी हुआ उनका बड़ा अभिनय होता है अभिनय हो चुके तो पाप बनता है पाप से क्या होता है दुर्गति होती ये भय से है ये भी होना चाहिए भक्ति नहीं जागती तो डर से तो करे कम से कम वो भी अच्छा है बहुत अच्छा है डरना ही चाहिए बड़े लोगों से पर वो भय से फिर लोभ से भी नमस्कार होता है कैसे होता है नमस्कार करीशू तो कोई पुण्य से भाई नहीं कैक काम आ

और एक भक्ति से होता है तो ये भय वाले लोभ वाले रूढ़ी वाले ये तो केवल पुण्य करते हैं बस और ज्यादा नहीं करते और जो भक्ति से होता है भक्ति का अर्थ समझते भक्ति क्या होता है किसी भी वस्तु को उसके भाव को समझना है तो वो जो शब्द जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वहां जाना चाहिए क्योंकि वहां उसका भाव है मूल में भक्ति शब्द भक्त से बनाया भक्त का मतलब होता है भोगना इसलिए भोजन को भक्त कहते हैं शास्त्रों ने भक्त प्रत्याख्यान भक्त मतलब क्या है भोजन का प्रत्याख्यान वहां ऐसा अर्थ उसका कि मतलब भोग का ग्रहण करने का प्रत्याख्यान अब भोजन नहीं करेंगे जब वो समाधि मरण लेते हैं ना तो तीन प्रकार के प्रत्याख्यान होते हैं भक्त प्रत्याख्यान इंगिनी मरण वो प्रायोग मरण ये अलग अलग प्रकार तो भक्त का अर्थ होता भोगना भोजन से संबंधित इसलिए भोजन शब्द भी वहां से आया है वह शब्द हमेशा भोगने के अर्थ में आता है तो भक्ति का अर्थ हम उसको भोग रहे हैं भोग रहे हैं मतलब ग्रहण कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं मतलब हमने उसको स्वीकार किया हुआ है स्वीकार किया हुआ का मतलब हमने उसको माना है जिसकी सत्ता को माना है हमने स्वीकार किया है ग्रहण किया है उसका निरंतर भोग कर रहे हैं उस सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना नमस्कार सत्ता से तो होता है ना मोदी जी को सब सैल्यूट मारते हैं क्यों सत्ता है ऊंची सत्ता अथवा जो जो भी अपने से ऊंची सत्ता है उसके प्रति जो झुकना है अर्थात उसको अंतकरण से स्वीकार करना है तो हमने आपको अंतकरण से स्वीकार किया है आपने जो दशा प्राप्त की है उस दशा को हम अंतकरण से स्वीकार करते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं और वो दशा प्राप्तव्य है प्राप्त करने जैसी है उसी में लीन होने जैसा है शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत के थे उन्होंने शिव लहरी करके एक काव्य लिखा है बहुत अच्छा उसमें भक्ति है भक्ति का वर्णन किया तो उसमें भक्ति का स्वरूप बताया उन्होंने तो सबसे पहले तो भक्ति क्या है अब क्योंकि वो तो अद्वैत के थे ना तो उन्होंने कहा है कि अपनी परम सत्ता अर्थात मूल स्रोत में समा जाना इसका नाम भक्ति तो परमात्मा है वो मूल स्रोत है अर्थात अपना शुद्ध आत्मा ऐसा निश्चय से तो वो मूल स्रोत है उस मूल स्रोत में अपने आप को लीन कर देना इसका नाम भक्ति है अर्थात अपने जितने भी विकार आते हैं विकल्प आते हैं सबको डाइजेस्ट कर लो, अंदर समा लेना उस सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना कि मैं वो सत्ता हूं तो जो आया उसको समर्पित जो आया उसको समर्पित अच्छा भाव आया वो भी समर्पित बुरा भाव आया तो भी समर्पित अपना पुण्य का उदय तो भी समर्पित पाप का उदय तो भी समर्पित सब उस परम सत्ता को समर्पित है एक परमात्मा भाव को सब उसमें समा जाते हैं जैसे सागर होता है सागर में लहरे आती है और लहरे कहां जाती है वापस उस सागर में ऐसे जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों के प्रति कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं करके उस विकल्प को वापस उस उसमें ही डाल देना इसका नाम भक्ति वो भक्ति समाधि में ले जाती है यही समाधि है और कुछ वहां दो नहीं रहते हैं ए वास्तव में दो की भक्ति है वो प्राथमिक भक्ति है वहां एक की भक्ति है अपनी पर्याय अपने मूल स्रोत में डूब जाती है अर्थात उसको समर्पित होगी अभी वो पर्याय है वो पर पदार्थों को समर्पित थी हमारे अंदर निरंतर एक अहंकार की पर्याय निकलती ये मैं हूं ऐसा भाव जागता है कोई भी राग द्वेश कुछ भी भाव जागा तो उसमें अहमपना होता है और वो पर्याय पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट पना करती है अर्थात वो पर्याय अपने अंदर तो नहीं जाती है और वो बाहर के पदार्थों में आकर्षित होती है तो उसकी संसार भक्ति एक इच्छा जागी भोजन करना अंदर से आया और वो जो पर्याय है उसकी निष्ठा बाहर के पदार्थ में जाएगी अब जैसे इच्छा जागी विकल्प जागा और वो विकल्प क्या करेगा भोजन को ढूंढता है आश्रय किसका लेता है वो अब मैं भोजन करूंगा उसका आश्रय लेता फिर उससे संबंधित और विकल्प बढ़ते हैं फिर भोजन की सामग्री ढूंढेगा फिर वो सामग्री में उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता ढूंढेगा और ऐसा करके वो वो पर्याय है वो संसार में डूबी रागद्वेश हुए उसके और जो आत्मदृष्टि जिसको है, उसको क्या करता है उस विकल्प को अंदर दबाता है तो जैसे अंदर से आई है तो वैसे ही अंदर चली जा अर्थात वो प्रभु को समर्पित कर देता है अपने परमात्मा को समर्पित कर देता है मार्ग इतना सही है ज्यादा नहीं साधक जितना हो सके अपने विकल्पों को अंदर समा लेता है कोई अभिव्यक्त ज्यादा नहीं करता है और उस पर्याय को परद्रव्यों में नहीं जाने देता है अपने आप में कुछ कहने का भाव हुआ क्यों करना बातें करने की इच्छा होती है ना कहीं मन में आवे तो कहवा इच्छा था बोलिया वगैरह रह नहीं। क्यों कहना वो कहना है वो राग की अभिव्यक्ति मात्र है बस अपन ऐसा सोचे कि हम तो दूसरे के हित के लिए कह रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का रागी है और हित तो जिसका जिसके निमित्त से जैसा होना है वैसा होता ही है आप कहोगे तो ही होगा क्या पर हमसे रहा नहीं जाता है अगर हम उस समय उस विकल्प को भी दबा दें कुछ नहीं कहना है मौन इसलिए यथार्थ ज्ञान प्रकट होने से व्यक्ति ज्यादातर मौन रहता है कुछ परमार्थ की बातें करता है पर अनावश्यक पंचायत करता नहीं क्योंकि जैसे ही अंदर से कुछ अभिव्यक्ति होती है उसका आत्मा उसको खींचता है ये क्या काहे को कहना हो उसको समझना है तो समझेगा तो वो अटक जाता है मुंह पे आते आते अट, अटक जाता है और वो अंदर ले लेता है उसको और वैसा व्यक्ति कभी प्रपंचों में फंसता ही नहीं है क्योंकि कौन बोलता है ना अनावश्यक बोलता ही नहीं हो क्योंकि अंदर पचा लेता है ये भक्ति अपनी पर्याय को अंदर पचा लेना इसका नाम भक्ति और उस भक्ति का फिर लक्षण फिर फल बताया भक्ति का स्वरूप बताया भक्ति का फल बताया और भक्ति का स्थान भी बताया उन्होंने उस भक्ति का फल परम समाधि और कुछ नहीं अपने परमात्मा स्वरूप हो जाना ही है और भक्ति का स्थान भी बताया कि भक्ति कहां करना किसकी करना तो वो भी बताया उन्होंने कि जिसका आदि और अंत है जिन देवों का आदि और अंत है उन देवों से के प्रति की हुई भक्ति का भी आदि और अंत होगा इसलिए जो अनादि और अनंत है उस देव की भक्ति करो इसलिए देवी देवताओं की भक्ति का निषेध कर दिया उन्होंने स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति का निषेध कर दिया शंकराचार्य जी क्योंकि उनका आदि है वो उत्पन्न होते हैं और उनका लय भी है वो नाश भी होते हैं उनकी भक्ति करोगे तो आप भी उत्पन्न होगे आप भी मरोगे क्योंकि वे अविनाशी तत्व को नहीं दे सकते आपको सांसारिक वस्तु कुछ उनके निमित्त से हो सकती है इसलिए जो न पैदा होता है न मरता है ऐसे देव की भक्ति करो वो भक्ति का स्थान है दूसरा कोई भक्ति का स्थान होता ऐसा कौन है ऐसा तो अपना भगवान आत्मा ही है और तो कोई है नहीं अनादि अनंत उत्पन्न भी नहीं हुआ है और उसका नाश भी नहीं होता ऐसा अपना जो ज्ञायक भाव परम परिणमिक भाव शुद्ध चैतन्य कारण समय सार शास्त्रीय भाषा उसी की भक्ति कर्तव्य है उसी में अपने आप को लीन करते जाओ उसी में रुचि बढ़ाते जाओ यह भक्ति शब्द का अर्थ है या भक्ति जो कहा ना वो भक्ति है और सदगुरुदेव हैं बाहर हो के अंदर हो निश्चय से अंदर हैं बाहर से बाहर हैं वो भी हमेशा अनादि अनंत तत्व में लीन है उनकी दृष्टि उस अनादि अनंत तत्व में ही रहती है इसीलिए हमार हमको भी वो अनादि अनंत तत्व है पकड़ में आता है धीमे 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 उनकी भक्ति करने से एक जिससे रहते हैं ना हाँ आ, ये, ये अपने सामयिक पाठ में है अनादि देव जे अज्ञान तिमिर तेवा सुदेव समर्थ नहीं सांचो शरण हो मांग तो एग्जैक्ट वो ही दिया अच्छा शरण किसका है मरकर के भी अपने आप को पहचाने अपने आत्मा का शरण ले अपने चैतन्य भाव का जीव भाव को पकड़े और हमेशा राग द्वेष से मुक्त होने का अभिप्राय रखें शांत निर्भय होकर के इस जगत में विचरण करें ये मंगलाचरण में ही सब कुछ है आ गया अब आगे पदफन चालू करेंगे धीमे धीरे कोई ना प्रश्न हो तो पूछो धर्म सुशरण जानी आराध्य, आराध्य प्रभाव आय अनाथ एकांत सनाथ थाशे तेना विना कोई न बाय साशे तेना विना न बाय साशे सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय सब संतन की जय आनंद ओ एक मिनट मौन आत्म अनुसंधान ओ सूत्र सौ सात हूँ आत्मा छु आप नो सेवक छु सौ मित्र छु हूँ आत्मा छु आप नो सेवक छु सौ मित्र छु हूँ आत्मा छु आप नो सेवक छु सौ मित्र छु जय सदगुरु जय